हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में बताने वाला हूँ रिपेयरिंग वर्क के बारे में। रिपेयरिंग वर्क को कैसे किया जाता है, बिल्डिंग में बहुत सारी रिपेयरिंग आती है, जैसे हनीकॉम आ जाता है, कहीं कहीं किनार टूट जाती है कास्टिंग के बाद, ये सब रिपेयरिंग वर्क में आता है। तो ये पूरी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे रिपेयरिंग वर्क को किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हनीकॉम आखिर कैसा होता है, क्योंकि क्या होता है, कई बार जिनको नॉलेज नहीं होता है वो नॉर्मल गिट्टी दिखती है उसको भी वो हनीकॉम बोल देते हैं लोग, बट ऐसा नहीं है। हनीकॉम क्या होता है वो पूरा आपको दिखाने वाला हूँ। साफ साफ आप देख सकते हैं जिसमें आपको रॉड दिखती है, रॉड दिखती है और हल्की हल्की गिट्टी दिखती है, जैसे कि आपको पूरी रॉड दिख रही है इसमें, तो ये पक्का हनीकॉम आया है, पूरा हनीकॉम है ये। और इस टाइप के जितने भी हनीकॉम आते हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, कैसे रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक तगाड़ी में सीमेंट लिया जाता है। एक तगाड़ी सीमेंट काफ़ी होता है रिपेयर के लिए, एक तगाड़ी सीमेंट लिया जाता है। उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पानी मिलाया जाता है, ज़्यादा भी पानी नहीं मिलाना है, बिल्कुल हमको हल्का हल्का पानी मिलाना है, जिसमें उसमें थोड़ी थोड़ी सी नमी आ जाए और एक सॉफ्ट पेस्ट टाइप का बन जाए। सबसे मेन इसमें पानी का रेशियो ही होता है। पानी का रेशियो अगर आप सही से रखोगे तो रिपेयरिंग आपकी ऐसे दिखेगी कि रिपेयरिंग हुई भी नहीं है, एकदम फिनिश दिखेगी, एकदम बिल्कुल परफेक्ट दिखेगी पानी का रेशियो अगर आप सही से रखेंगे तो। पानी और सीमेंट का रेशियो अगर सही नहीं रहेगा तो वॉल पर सही फिनिश नहीं आती है। और इसके बाद होता है दोस्तों इसको लगाना। तो दोस्तों देखिए कैसे इसको लगाया जाता है। इसमें सबसे मेन है आपका मेसन कैसा है। आपका मेसन अगर स्केल्ड है, अच्छा कारीगर है, तो वो बहुत अच्छे से रिपेयर कर देगा। और अगर आप ऐसे नॉर्मल किसी से करा रहे हो जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो उसकी फिनिश अच्छी नहीं आएगी। हाथ से बाकायदा देखिए ऐसे लगाया जाता है, जहाँ जहाँ अभी रिपेयरिंग आई है, हनीकॉम्स आए हैं, वहाँ वहाँ पूरे में भर दिया जाता है ये पाउडर। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको फिनिश करने का होता है, जो कि एक नॉर्मल कन्नी की मदद से कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही रिपेयरिंग की जाती है सभी जगह, ये हनीकॉम्स को रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हनीकॉम की प्रॉब्लम आखिर क्यों आती है। हनीकॉम की प्रॉब्लम कई कारणों से आती है, जैसे कि अगर आपने कवर ब्लॉक नहीं लगवाए हैं, कवर ब्लॉक नहीं लगे रहते हैं तो हमारा जो लोहा होता है, लोहा सटा होता है बिल्कुल प्लाई से, इसके कारण नीचे कवर नहीं मिल पाता है कॉन्क्रीट को, इसलिए हनीकॉम आ जाता है, रॉड दिखने लगती है। हनीकॉम का दूसरा बड़ा कारण रहता है वाटर का रेशियो। पानी का रेशियो अगर सही नहीं रहेगा तो बहुत हनीकॉम्स आते हैं, अगर पानी कम है कॉन्क्रीट में तो बहुत ज़्यादा हनीकॉम्स आते हैं। तीसरा कारण ये है कि वाइब्रेटर सही से नहीं चलाया जाता, जिससे एयर बन जाती है हमारे कॉन्क्रीट में, उसके कारण भी बहुत हनीकॉम आता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरीके के सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच।